मैं यही बोलूंगा, कभी भी कोई भी चीज़, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ लाइक फेक फेक शिट के लिए नहीं किया है, ना ना कभी प्लानिंग से किया है, ना कभी कुछ चीज़ ज़बरदस्ती किया है। तो अभी मैं कुछ चीज़ बोलूंगा जिसको पब्लिक अभी सोचेगी कि हाँ शायद से मे भी ये प्लानिंग था वट एवर, बट लेकिन येस आई वॉन्ट टू क्लियर कि कभी भी म्यूज़िक जब भी हम करते हैं, हम आर्टिस्ट से वी डू इट दिल से आता है, कभी भी कोई भी चीज़ प्लानिंग से नहीं हो जाता है। सो येस सब लोग अभी दिल से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी लोग हैं वहाँ पे। सो कल रात को मेरा और डिवाइन का बात हुआ ऑन फोन कॉल, येस बहुत टाइम बाद हम दोनों का बात हुआ, एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुआ। लाइक डिवाइन अंडरस्टैंड किया मेरी बात को, दैट मेरा जो मेरी क्रिसमस जो लाइन था कुल फकर के जाओ मेरा जिंगल बेल मेरी क्रिसमस, ही थॉट दैट इट्स फॉर हेम, जबकि वो लाइन स्पेशली नहीं था, बिकॉज वो मेरी क्रिसमस जो वर्ड है इट्स 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 अ रिलीजन वर्ड, उनको सबको ऐसा लग रहा है, बट जबकि वो फन था, इट वॉज जस्ट अ फन। एंड जिंगल बेल मतलब सबको पता है लाइक बेल घंटा बजा के जाओ, तो साथ में मेरी क्रिसमस राइम्ड, सो आई जस्ट डिड इट। लाइक इट वॉज नॉट इंटेंशन, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, मैं खुद मुस्लिम हूँ एंड मेरे मॉम की फैमिली में हिंदू है, मॉम बिलोंग्स टू हिंदू फैमिली एंड शी इज़ विद दैट, माई डैड इज़ मुस्लिम एंड मॉम की जो सिस्टर है वो खुद क्रिश्चियन है। सो येस मेरे फैमिली में हर रिलीजन के लोग हैं, सो आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, मेरे लिए सब रिलीजन सब एक समान है। एंड मैं खुद माउंट मैरी चर्च जाता हूँ व्हेन देयर इज अ फेस्टिवल, या आई गो टू एवरी एवरीथिंग, लाइक मैं सब सब रिलीजन रिस्पेक्ट करता हूँ, देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड। सो ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है मेरी तरफ से, या सो वी जस्ट क्लियर आउट, एंड ही थॉट कि मेरा वो लाइन उसके लिए था, एंड एंड ही गॉट एंग्री फॉर दैट एंड ही डिस्ड मी। सो येस एवरीथिंग गॉट क्लियर एंड आई ड्रॉप द डेस एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट सॉर्ट। सो वी हैव विविन डिवाइन हियर, आई एम गोइंग टू ज्वाइन हिम, व्हाट्सअप विविन डिवाइन को अपन अभी ज्वाइन करते हैं, सो दैट जो भी आप लोग को लग रहा है कि हम लोग दोनों के बीच में हेट है या फिर जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एंड येस वी बोथ रिप्रेजेंट बॉम्बे एंड देर शुड बी ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हिप हॉप, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी चीज़ हेट की तरफ ज़्यादा चले जाए। मैं भी बोल रहा हूँ मेरी बंटा की पब्लिक को थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट येस आप लोग भी गुस्सा को अपने शांत कर दीजिए एंड सबको भूल जाइए, इट्स ओके जो हुआ वो हुआ, बट येस लेट्स स्प्रेड लव, इट्स टाइम फॉर हिप हॉप टू गो अहेड एंड प्यार मोहब्बत बढ़े आगे, ना कि इसी झगड़े में सब लोग ट्रिप हो जाए। सो येस सो आई विल जस्ट कनेक्ट विविन डिवाइन राइट नाउ। व्हाट्स अप, क्या बोलते क्या बोलते ब्रो क्या बोलते, मस्त मस्त, चिल चिल, एक नंबर। सो यस एक नंबर ब्रो, एक नंबर, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। या कल वही पब्लिक को बताना चाहते हम लोग कि कल जब तुम लाइव गए उसके बाद मैंने कमेंट किया तुम्हारे लाइव पे, यस मैं कमेंट करते आ रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि तुमने मेरे को रिलीजन पे डिस किया है, क्योंकि वो गाने में तुमने कम से कम 4-5 बार बोला रहेगा क्रिसमस, और मेरे को खनकते रहा, और मैंने गाना लिख दिया क्योंकि मैं घर पे भी था राइट, और 1-2 साल से गैप भी हो गया था तुम्हारे और मेरे बीच में जो बातचीत नहीं हो रही थी, तो वही मैं कह रहा था कि कल कल मेरे को MBVA के लाइव में मैं आया था और मैंने कुछ कुछ कॉमेंट्स किए, उसमें से एक कॉमेंट था कि मैंने कि तूने रिलीजन पे मेरे को डिस किया, तो उसके बाद मेरे को MBVA ने अप्रोच किया, मेरे को फोन किया और मेरे को बोला कि वो ऐसे सेंस में नहीं बात कर रहा था और वो राइम करना चाहता था और राइमिंग के चक्कर में उसने ऐसे बोला, लेकिन मैंने कोई और चक्कर में ले लिया उस बात को और exactly. मैंने अग्री किया कि क्योंकि उन्होंने अप्रोच करके मेरे को बताया कि क्या सेंस में वो बोल रहे थे, क्योंकि वो गाने में काफी बार वो मेरी क्रिसमस वर्ड यूज किया गया था, और मैं ही एक कैथलिक लड़का था जिसमें वहां पे टारगेट बना था, और वहां पे 2-3 जन को जो भी तुम किसको बोल रहे थे उसमें से मैं एक था right. और इसलिए तुमने मेरे से क्लियर किया, और ऊपर से जो लास्ट 3-4 दिन में मैंने कभी किसी को डिस नहीं किया है, ये पहली बार मैंने डिस गाना डाला, क्योंकि मैं मेरी हट गई थी, मैं फुल एकदम अलग मूड में चले गया और मैंने इसलिए 2-2 गाने डाले, और दो गाने डालने के बाद तुमने एक गाना डाला yes. और लेकिन मैंने सेकंड गाने में लास्ट में मैंने बोला था कि मेरी क्रिसमस मत बोलना बंटा है, लेकिन तुमने वो बात बराबर से मेरे को लगता है तुमको पकड़ा मैंने पूरा ट्रैक, एक्चुअली या मैंने पूरा सुना ही नहीं था प्रॉपर्ली ट्रैक राइट, एंड देन लेटर ऑन आई जस्ट बोला भी था जब जब कल कमेंट आया था ना ब्रो, यू व्हेन यू कमेंटेड यस्टरडे, सो आई वाज लाइक मेरे को स्क्रीनशॉट आया फैंस का, दे वर लाइक ब्रो रिलीजियस डिस की बात हो रही है, सो आई वाज लाइक शिट मैन सीरियसली आई वोट, मैं कभी भी कोई भी रिलीजन के ऊपर जाके मैं कभी भी डिस नहीं करूंगा, दैट्स नॉट माय गेम यू नो ब्रो, ऐसा कभी भी नहीं है, दैट्स ऑलवेज आई हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टिंग ऑल द आर्टिस्ट, एंड मैंने हमेशा लाइव में बोला है, स्टेज पे बोला है, एंड इवन यू नो मैन
ना सो वही मैं वही क्लियर करना चाहता था और तुमने क्लियर किए, तो यस मैं बोला यस अभी बैक एंड फोर्थ करते 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 ये ना साल सिर्फ हो जाएगा हेट भाई बढ़ेगा बैक ब्रो, एंड बिकॉज वी फोर्थ। आर फ्रॉम बॉम्बे एंड मैं स्पेशली बॉम्बे की पब्लिक सबको ये बोलूंगा, मैं एंड डिवाइन हम लोग दोनों बॉम्बे से है एंड सीन आज माशाल्लाह इतना आगे आ चुका है, अपन लोग इतना आगे चीजों को खींच के लेके आ गया है, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ डेस 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 होएगा तो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड नहीं फॉर सही नहीं, क्योंकि एनीवन। क्या है ना दूसरे लोग मजे लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल और इसमें हेट भी ज्यादा पैदा हो गया है एकदम ज्यादा। मेरे को ईमेल्स आ रहे थे और तुमको भी आया है, तुम्हारी मम्मी राइट डैडी भी राइट परेशान थे, तुम बता रहे थे। दैट्स नॉट और गुड उसमें क्या है मेरे यार, घर दोस्तों पे भी भी फोन इफेक्ट हो कर रहा है। कर करके करके मेरे को बता रहे थे कि और एक रिप्लाई डालना चाहिए, हेड डालना चाहिए, लेकिन तुमने फोन किया वो सही किया। और क्योंकि हेड भी कम हो अदरवाइज जाएगा। अदरवाइज और यू वुड हैव ड्रॉप दिस अरे तुमने रिबटल डिवाइस किया, मैं बोला मैं भी रिबटल करता हूँ। सीरियसली ब्रो पीपल। तो नहीं, लेकिन क्या है ना इस टाइम पे मेरे मेरे हिसाब से बॉम्बे और महाराष्ट्र सबसे इफेक्टेड है इस कोरोना वायरस के शॉट कोरोना वायरस से, में। और ये टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जबकि सबको पीस रखना है, सब अपने घर पे खुश रहे हाँ तुम लोग ने एंड मजे ले लिया, अभी 3 गाने के मजे ले लिया, या फिर पीपल मेरे हैड हिसाब से फन। तुम लोग अंदर लेना पड़ेगा, सेफ रहो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इफेक्टेड है यस पूरे में। एवरीबॉडी स्टे सेफ होम या बस मैं यही बोलने आया था, और तुम मचाओ अपन भी तुम भी मचाएंगे। मचाओ इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक है ब्रो पीस आउट। सब लोग जितने भी लोग गुस्से को खत्म करो, सारा गुस्सा आपके जो भी दुश्मन है या फिर जो भी है अपनी जिंदगी में सब चीज से खत्म करो। एंड इवन आई हैव नो हेट फॉर डिवाइन, में हमेशा बोलते आया हूँ देयर हैज बीन ऑलवेज लव। डिवाइन ड्रॉप द ट्रैक फर्स्ट ट्रैक देन, तभी भी मैंने इग्नोर किया बिकॉज आई वाज लाइक चल दैट, बट व्हेन द सेकंड ट्रैक वाज आउट उसके बाद आई गॉट लाइक टेम्पर्ड लाइक इवन उसके बाद वो हुआ। बट यस आई थिंक इट्स ऑल लव एंड ऑफ द डे इट्स ऑल लव, इवन ही रिप्रेजेंट बॉम्बे एंड आई रिप्रेजेंट बॉम्बे, सब अपनी जगह पे हार्ड, एवरीवन आर डूइंग गुड मैन। सो यस एंड यस एंड ऑफ द डे इट्स ऑल लव। मेरी पब्लिक बंटाई की पब्लिक आप सबसे यही बोलूंगा, आपसे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, इतना मोहब्बत देने के लिए। बट यस लेट्स स्प्रेड लव, डिवाइन और मेरा अभी से कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल लव। सो लेट्स स्प्रेड लव, लेट्स स्प्रेड म्यूजिक, अच्छे गाने निकालते एंड अच्छा चीज करते रहेंगे एंड सब लोग अपना साथ मिलके रहेंगे। एंड जितने भी लोग वहां पे चार्ज थे कि ये डिसकंटिन्यू होगा नाउ, सो द डिस सीन बीफ सीन इज एंडेड हियर नाउ, एवरीथिंग इज कूल एंड चिल। गेट रेडी फॉर माय ईपी, ईपी में बहुत सारे मजेदार गाने आने वाले हैं एंड आगे ये नहीं सोचना कि उसमें से कुछ भी लाइन इफ इट गोज देन पीपल विल बी लाइक कनेक्टिंग। मेरा और डिवाइन का तो बिल्कुल बीफ खत्म हो गया, इट्स लाइक ऑल गुड बिटवीन मी एंड हिम। सो यस आप लोग भी दुश्मनी भूल जाओ, सब मोहब्बत लाओ, जो भी बातें हो गई पुराने गाने में जो भी हुए सबके सारे बातों पर मिट्टी पा दो